अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसहाक खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइस। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में गर्म पानी की ज़रूरत लगभग हर घर में होती है। फिर चाहे गर्म पानी हमें हमारे किचन में चाहिए बर्तन धोने के लिए, या हमें हमारे बाथरूम में नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। किसी भी हाल में गर्म पानी चाहिए ही चाहिए होता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर दोस्तों सर्दियाँ आते ही गीज़र्स का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अगर गीज़र किचन में लगा हुआ है तो किचन में मिनटों के अंदर गीज़र ऑन करते ही गर्म पानी आना शुरू हो जाता है और बर्तन बड़ा आराम से धुल जाते हैं गर्म पानी से। और अगर गीज़र बाथरूम में लगा हुआ है तो बाथरूम के अंदर भी वही हिसाब है, मिनटों में गर्म पानी आना शुरू हो जाता है और बड़े आराम से लोग गर्म पानी से नहाकर फ्रेश हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी गर्म पानी से धो लेते हैं। तो दोस्तों, जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत सारे घरों में सर्दियों में गीज़र का इस्तेमाल होता है, तो मैं इस बात से भी नहीं मुकर सकता कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी तादाद में लोग ऐसे हैं दोस्तों जो गीज़र को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी हाँ, सर्दियों तो उनके लिए भी हैं, तो उनके लिए सस्ता, अच्छा और ज़बरदस्त जरिया होता है पानी को गर्म करने का, इमर्शन रॉड। जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं आपसे इमर्शन रॉड के ही बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी वक्त पहले से इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अब इस सीज़न के अंदर इमर्शन रॉड को इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनके लिए कौन सी इमर्शन रॉड सही रहेगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमर्शन रॉड क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, इसके अंदर क्या क्या खासियतें होती हैं, और अगर आप इमर्शन रॉड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं इमर्शन रॉड्स के बारे में। आइए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इमर्शन रॉड्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी इंडियन मार्केट में तीन टाइप्स में अवेलेबल हैं, एक है नॉर्मल सिंपल वाली, दूसरी है ऑटो इमर्शन रॉड और तीसरी है वाटरप्रूफ इमर्शन रॉड। तो दोस्तों पहले मैं आपसे बात करता हूं नॉर्मल सिंपल वाली इमर्शन रॉड के बारे में। दोस्तों इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी खासियत नहीं होती, किसी भी तरह की कोई भी खासियत नहीं है, कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके बारे में आपको तफसील से बताऊं। अगर मैं आपको साफ बताऊं तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। जी हाँ, इसमें कोई खासियत नहीं है, कोई फीचर ऐसा नहीं है जिसके बारे में तफसील से बताया जाए, और बल्कि उल्टी बात इसमें यह है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होती, बहुत खतरनाक है इसको इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ दोस्तों इस तरह की कुछ इमर्शन रॉड्स के अंदर आपको सिर्फ एक रेड इंडिकेटर जरूर दिख जाएगा। जी हाँ, जब आप इसको सॉकेट में लगाएंगे, इसके प्लग को ऑन करेंगे तो इसके बाद इसमें रेड लाइट जल जाएगी, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी शुरू हो गई है, अब ये चालू हो गई है, आप इससे पानी गर्म कर सकते हैं। लेकिन वो भी कुछ ही इमर्शन रॉड्स में मिलेगी, सभी में नहीं मिलती, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में तफसील से बताया जाए। लेकिन अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि इस तरह की इमर्शन रॉड तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, हर कोई इस तरह के इमर्शन रॉड को इस्तेमाल कर रहा है, मैंने वहाँ पर भी देखा था इस्तेमाल होता हुआ, वो भी करते हैं, वो भी करती हैं, ये भी करता है, वो भी करता है, फिर मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये सेफ नहीं है, और मैं कैसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई खासियत नहीं है। तो यकीन मानिए, इसमें ऐसा कुछ वाकई में नहीं है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ती है, सबसे ज़्यादा सस्ती है। जी हाँ, इसके अलावा इसमें कोई खासियत नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ज़्यादातर इस तरह के इमर्शन रॉड्स के अंदर ये देखा गया है दोस्तों कि इनके अंदर करंट आ जाता है। जी हाँ, शॉक लग सकता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर फिर भी आपको इस्तेमाल करनी है तो आप प्लास्टिक की बाल्टी में इस्तेमाल कीजिएगा, लोहे की बाल्टी में बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इमर्शन रॉड्स के अंदर ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि इनके अंदर करंट आ जाता है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, आप अपने रिस्क पर इस तरह के इमर्शन रॉड खरीदिएगा, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह की चीज़ों की सलाह नहीं देता। इन्फॉर्मेशन तो दे देता हूँ लेकिन कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप इस तरह के इमर्शन रॉड खरीदिए, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिए। आइए दोस्तों बात करते हैं दूसरी इमर्शन रॉड के बारे में, जिसका नाम है ऑटो इमर्शन रॉड। दोस्तों इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है जिसकी मदद से ये अपने आप बंद हो जाती है, यानी जब आप इससे पानी गर्म करेंगे और जब पानी गर्म हो जाएगा, एक हीट का लेवल उसमें आ जाएगा, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसके अंदर आपको ये फायदा मिलता है कि अगर आप भूल गए तो पानी गर्म हो चुका होगा तो ये खुद ब खुद बंद हो चुकी होगी। तो ये सेफ है उन सभी के लिए जो भूल जाते हैं, जो ज़्यादा भुलक्कड़ लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, क्योंकि ये जलेगी नहीं, ये कंटिन्यूसली ऑन नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों ये बिजली भी कम खर्च करेगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ है ना, तो ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, जब पानी गर्म हो जाएगा तो बंद हो जाएगी, तो बिजली भी सेफ होगी आपकी, इसीलिए इसे एनर्जी सेवर बोलते हैं। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा, नॉर्मल वाले के अंदर ये फीचर नहीं होता, लेकिन ऑटो इमर्शन रॉड के अंदर इस तरह का फीचर होता है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये खुद ब खुद बंद हो जाती है जब पानी गर्म हो जाता है। ये थोड़ी सेफ है बामुकाबले पहले, पहले तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सेफ है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रिक शॉक की बात करूँ तो कुछ कंपनियाँ इसकी गारंटी देती है, लेकिन कुछ कंपनी इसकी गारंटी नहीं देती। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, इमर्शन रॉड्स के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें शॉक जरूर लगता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि शॉक लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेफली इस्तेमाल करते हैं, उनको आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई शॉक नहीं लगा। तो ये आपकी सेफ्टी पर है, ये आपके इस्तेमाल पर है कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है और आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आपका सलीका कितना है, आपके अंदर सलीका कितना चीज़ को इस्तेमाल करने का। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपको शॉक लगेगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप नॉर्मल वाली भी सालों इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
तो दोस्तों दूसरी जो है ऑटो इमर्शन रॉड के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है और उसके अंदर ये फीचर होता है कि वो अपने आप बंद हो जाती है। अगर मैं आपसे बात करूँ तीसरी इमर्शन रॉड के बारे में तो दोस्तों वो है वाटर प्रूफ इमर्शन रॉड। जी हाँ, ये वाटर प्रूफ इमर्शन रॉड है दोस्तों, जिसको आप बड़े आराम से पूरा पानी में डाल सकते हैं। अगर पानी में नहीं डालेंगे और ऐसे ही ऊपर से जैसे नॉर्मल गर्म किया जाता है किसी भी रॉड से पानी को ऐसे करेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इत्तिफाक की बात है अगर ये पूरी पानी में गिर जाए और ये ऑन है तो आपको बिल्कुल शॉक नहीं रहेगा, ये शॉक प्रूफ होती है, ये बहुत अच्छी बात है और ये वाटर प्रूफ भी होती है। कंपनी इस तरह के इमर्शन रॉड्स की गारंटी लेती है कि इसमें शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसके अंदर वायरिंग होती है ना दोस्तों वो बिल्कुल कवर होती है अंदर से, उसमें पानी के जाने का बिल्कुल भी चांस नहीं होता, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। दोस्तों ये है वो तीन तरह के इमर्शन रॉड्स जो अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। एक है नॉर्मल वाली जिसमें कोई भी सहूलत नहीं है, बहुत रिस्क है उसको इस्तेमाल करने में, लेकिन अगर आप में सलीका है आप सही से इस्तेमाल कर सकते हो तो आप कीजिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। दूसरी होती है ऑटो इमर्शन रॉड जिसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, वो खुद बहुत बंद हो जाती है जब पानी गर्म हो जाता है, लेकिन वो भी शॉक प्रूफ नहीं है जैसे पहली वाली नहीं है नॉर्मल वाली, और वो भी वाटर प्रूफ नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, वाटर प्रूफ सिर्फ एक ही है, वो तीन नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली वाटर प्रूफ नहीं है। अगर वो पानी में पूरी गिर गई तो उसको इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक वो सूख ना जाए, कम से कम दो दिन बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं करना और धूप में उसको रख देना है। अगर मैं तीसरी की बात करूं तो दोस्तों वो वाटर प्रूफ है लेकिन उसके अंदर थर्मोस्टेट नहीं है, इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा, किसी में कोई खासियत है किसी में कोई खासियत है, दूसरी में थर्मोस्टेट है तो वो वाटर प्रूफ नहीं है, तीसरी में वाटर प्रूफ सिस्टम है तो थर्मोस्टेट उसमें नहीं है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। अब आप देख लीजिए कि आपको किस बात की जरूरत है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको इमर्शन रॉड बहुत सेफली इस्तेमाल करनी है, चाहे वो कोई सी भी वाटर प्रूफ हो, थर्मोस्टेट वाली हो या नॉर्मल वाली हो, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ और उसमें देखनी है, अगर आपको अपने हिसाब से देखना है तो आप सोचिए कि आपको वाटर प्रूफ चाहिए या थर्मोस्टेट वाली चाहिए या नॉर्मल वाली चाहिए, आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप वो इमर्शन रॉड खरीदिए। और मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह कि आपको कभी भी कोई भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान इमर्शन रॉड से ना हो, आप बड़े ध्यान से इमर्शन रॉड्स को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, करंट इसमें है, गर्मी इसके अंदर है और ये प्लस पानी के अंदर है, तो सारी चीज़ों का ख्याल बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा जब आप इसको इस्तेमाल करें। मैं तो कह रहा हूँ उस जगह को छोड़ दीजिए जब पानी गर्म हो जाए, याद रखिए कि इतने वक्त में आपको बंद कर देनी है, बंद करके निकालिए उसका स्विच और बाहर निकालिए बाल्टी से, बड़ा आराम से फिर पानी को इस्तेमाल कीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे अगर आपके पास हैं तो इमर्शन रॉड्स को बड़ी सेफली से, बड़े ध्यान से, अल्लाह के वास्ते इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों कुछ वो बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है, जो भी इमर्शन रॉड आप खरीद रहे हैं आप सबसे पहले उसमें ये देखिए कि उसके अंदर वाटर लेवल का इंडिकेटर है या नहीं। बहुत सारे इमर्शन रॉड्स के अंदर दोस्तों वाटर लेवल का इंडिकेटर होता है, जिससे आपको यह फायदा मिलेगा जब भी आप बाल्टी के अंदर उसको लगाएंगे, अगर बाल्टी के अंदर आपका उस लेवल तक पानी नहीं है जितना वो बता रही है तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है इमर्शन रॉड, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। इमर्शन रॉड के अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर जरूर होना चाहिए, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको बाल्टी में इतना पानी रखना चाहिए जब भी आप पानी गर्म करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कम पानी रखते हैं और वो पूरी डूबती नहीं है, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा उसको डुबा देते हैं जिसकी वजह से पूरे पानी में करंट आ जाता है। तो फिर मैं आपसे ये कहूंगा कि आपके इस सलीके पर डिपेंड करती है कि आपके अंदर कितनी समझ है और किस हिसाब से आप इमर्शन रॉड को इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी आप इमर्शन रॉड खरीद रहे हैं आप ये भी देखिए कि उसके ऊपर ISI वाला मार्क होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि ISI की तरफ से टेस्टेड है और इस्तेमाल करने में भी सेफ है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि जो भी इमर्शन रॉड आप खरीद रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से कंज्यूम करेगी, ज्यादा करेगी या कम करेगी, क्योंकि दोस्तों जो इमर्शन रॉड ज्यादा सेल होती है वो 1000 वाट, 1500 वाट और 2000 वाट वाली होती हैं। जी हाँ, ये 3 वाट वाली इमर्शन रॉड ऐसी हैं जो ज़्यादा सेल होती हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके हिसाब से कौन सी वाट वाली इमर्शन रॉड सही है, आप अपनी फैमिली देखिएगा और आप ये देखिएगा कि आपको दिन में कितनी बार और कितना पानी गर्म करना है। ज़्यादा पानी गर्म करना है तो आपको 1500 वाट वाली चाहिए, उससे ज़्यादा करना है तो आपको 2000 वाट वाली चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा पानी नहीं गर्म करना है तो आप 1000 वाली से भी काम चला सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी किस हिसाब से कंज्यूम करेगी, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा, जितनी कम करेगी उतना ज़्यादा आपको फायदा। दोस्तों एक अच्छी इमर्शन रॉड एक अच्छा ब्रांड ही दे सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस किस ब्रांड के इमर्शन रॉड खरीदनी चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो हिंदुस्तान में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, उनके इमर्शन रॉड काफी ज्यादा सेल होती हैं, वो ब्रांड्स हैं ये। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी एक ब्रांड के इमर्शन रॉड खरीदेंगे तो आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ये मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है हिंदुस्तान में। इनमें से किसी भी एक ब्रांड की जो भी आप इमर्शन रॉड खरीदेंगे आपको उस पर वारंटी भी मिलेगी, ये ब्रांडेड चीज़ों की पहचान है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ लेंगे तो आपको वारंटी मिलेगी, वारंटी मिलेगी तो अगर कोई खराबी आती है फ्यूचर में, खुदा ना खास्ता उसके अंदर, तो वो सही हो जाएगी या नई आपको मिल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लोकल कभी भी मत खरीदेगा, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आप जो भी इमर्शन रॉड खरीद रहे हैं आप इस बात का भी खास ख्याल रखिए कि उसके अंदर वायर कितनी लंबी है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को इस बात की परेशानी है कि इमर्शन रॉड के अंदर वायर छोटी होती है और उसके बाद उनको एक्सटेंशन लगाना पड़ता है, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा, इमर्शन रॉड के अंदर वायर लंबी होनी चाहिए जो भी इमर्शन रॉड आप खरीद रहे हैं। जी तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी इमर्शन रॉड पर, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इमर्शन रॉड कितने टाइप्स की होती हैं, उनके अंदर क्या क्या खासियत है और क्या क्या फीचर्स होते हैं, और अगर आप इमर्शन रॉड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो को अनबॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलूंगा फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। मेरा नाम है साकिब खान, शुक्रिया।